आज है हम टनकपुर में है ना yes. टनकपुर उत्तराखंड में हम पहले ऐसे लोग हैं जो खाने के बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ मत खाइएगा। अब आपको हम बताते हैं हमारा प्लान है क्या, आप तो आपको बता ही दें। तो गाइस अभी माता जी के हम दर्शन करके आए ना, वो वहाँ पे इस वाली चोटी पे थी। अब देखिए कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, हम लोग जंगलों के बीच में इतने अंधेरे में वापसी कर रहे हैं और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है। था वो जगह जहाँ पे हमने फोटो खिंचाई थी, कितना अच्छा नजारा था। तब तो दिन था ना, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, और अब देखिए रात में मतलब कितना मस्त लग रहा है यार। ये पहला इंसान हमें दिखा इस रोड पे। तो भाई अब ना हम वहाँ पे आ गए जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने ऑफ रोडिंग करी थी। मतलब बहुत ही खतरनाक यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ जो है। एक बात बताऊँ, अगर इसको हमने पार कर लिया ना तो ये समझ लो 50% जर्नी आज की कंप्लीट। ये देखो ये जो है पूरी नदी बहती हुई आई है गाइस, यहाँ से पैर ऊपर कर लो भैया यहाँ पे। ये देख रहे हो कितनी मतलब की, ये देखो अरे भाई साहब, चलो ये तो पार हुआ, लेकिन अभी थोड़े आगे और ऐसा रास्ता है, ये पूरा ऐसे टूटा हुआ पहाड़ का। पर कोई बात नहीं गाइस, आपके लिए सह लेंगे थोड़ा। रीच टनकपुर, और हम लोग वैसे जा तो कर रहे थे एंड हम लोग 8 किलोमीटर आगे चले भी गए थे। एकदम से ना हम लोग का दिमाग घुमा एंड हम लोग ने ये सोचा कि यार करीबन 200 किलोमीटर जाना, यानी कि 3 घंटे का सफर, वो भी इतने खतरनाक हाईवे पे। तो फिर सागर धन बोला कि चलो वहीं टनकपुर में स्टे कर लेते हैं। तो हम लोग जो है आज रात में टनकपुर में ही स्टे कर रहे हैं। जो टनकपुर में आर्मी वाले गेस्ट हाउस नहीं होते हैं, तो हम लोग आर्मी वाले गेस्ट हाउस में आज स्टे कर रहे हैं। यही तो फायदा होता है जब आपके घर में कोई फौज में हो, जैसे कि हमारे सागर दादा। तो बस अभी हम हल्का सा फ्रेश हुए हैं, मुंह धुला एंड सागर दादा जो है कोल्ड ड्रिंक लेने गए हुए हैं, क्योंकि गाइस जो हम घर से मैक्रोनी लाए थे ना वो अब हमने खोली है एंड अब हम मैक्रोनी खाने जा रहे हैं। सागर दादा ने बोला मैक्रोनी ऐसे सूखी तो खाई नहीं जाएगी, चलो कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक लाने गए, अभी मैक्रोनी खाएंगे, फिर देखो रात में खाना ना लेने जाएंगे। अब टनकपुर पूरा घूमेंगे, आज यही रुकेंगे ना, आज पूरी रात भर हम लोग टनकपुर घूमेंगे। तो गाइस आ गए हैं और ये लेके आए हैं पेपर बोट का ये मिक्स फ्रूट, बढ़िया है। तो चलिए मैक्रोनी खाइए। और घर से मम्मी ने पैक की थी मैक्रोनी, जिसको हमने पूरे दिन में नहीं ट्राई किया। आप करेंगे उत्तर प्रदेश की चीज, हम उत्तराखंड में खाएंगे बैठ के। गाइस हमारे घर वाले पैकिंग देखिए कितनी बढ़िया करते हैं, 2 पाउच में बना के भेजी थी जिससे कोई दिक्कत ना हो, अलग अलग आराम से करके खा ले हम लोग। अभी ना हमने मैक्रोनी खाई हुई है एंड इस समय जो हम अपने आर्मी वाला ये जो अपना होटल है ना इसके बाहर आए हुए हैं एंड अब जो है हम टनकपुर को पूरा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड हमारा एक और बहुत ही बड़ा प्लान बन गया है यहाँ से भी। अभी तक तो डिसाइड था सिर्फ यहाँ तक का, हम हरदोई वापस जा रहे थे, लेकिन अभी आधे घंटे के अंदर अंदर एक और बहुत बड़ा प्लान बन गया है। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, ये जो सीरीज है ना बहुत तगड़ी होने वाली, अब तक की बेस्ट सीरीज होने वाली है। एंड शायद हम लोग हरदोई के इकलौते व्लॉगर होने वाले हैं, है ना, हरदोई के इकलौते व्लॉगर और आसपास के रीजन वाले इकलौते व्लॉगर होने वाले हैं जो इतना लंबा घसीटने वाले हैं। रात का बज रहा है 7:30 और आज हैं हम टनकपुर में, है ना yes. टनकपुर उत्तराखंड में। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं बाहर सिटी को देखने के लिए कि टनकपुर सिटी कैसी है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस हमारा वो जो है जहाँ पे हम रुके हैं वो है वहाँ पे एंड यहाँ पे जो है सिटी का बस स्टेशन है। तो यहाँ का बस स्टेशन जो है कुछ ऐसा है, और मेन शहर में ये रेलवे लाइन मिली। हाँ ये देखो ये रेलवे लाइन भी याद दिलाता है, अच्छा तुम अगर बता सको तो हमारे ब्लॉगर्स होंगे ना वो गेस कर सकते हैं। ये हरदोई में जो है अपने फरुखाबाद हाँ फरुखाबाद में ऐसा ही है। तो ये जो रोड है ना, ये रोड ना बड़े चौराहे की याद दिला रही, बड़े चौराहे से जो सिनेमा चौराहे के लिए रोड गई है ना बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे खाने पीने वाली दुकानें ज्यादा है, रश नहीं है और ज्यादातर खाने पीने वाली दुकानें, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना ज्यादा, तो टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए खाने पीने वाली दुकानें ज्यादा है। होटल और खाने पीने के बस यही ज्यादा है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे ना हमने एक चीज नोटिस करी, मतलब नॉर्मली सिटी में ना रोड ऊंची होती है और साइड साइड वाला नीचे होता है, बट यहाँ पे जो साइड वाली ये जो फुटपाथ है ना वो बहुत ऊंची है और रोड बिल्कुल नीचे है। हम लोग इस मार्केट में टहल रहे थे बट हम लोग पहले एक बार टहल लेते हैं फिर कुछ खाते हैं। तो गाइस इस मार्केट का नाम क्या है, खकरवाल मार्केट है, ऐसी कुछ है खकरवाल मार्केट, तो नाम पता नहीं था अभी मैंने पढ़ा तो खकरवाल नाम था इसका। और ये देखो दिवाली आने वाली है ना, तो सब जगह झालर ही झालर पड़ी है, मतलब सब जगह नहीं बट हाँ जितने ये होटल्स हैं जितने ये शोरूम्स हैं इनमें सब जगह झालर ही पड़ी है। तो हम लोग मार्केट में टहल तो रहे हैं और साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जो कि वेज हो, पर यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना कोई भी वेज नहीं है, नॉन वेज और वेज दोनों है, तो यार ऐसी जगह तो खा नहीं पाएंगे इसलिए हम प्योर वेज ढूंढ रहे हैं। तो अभी बीकानेर दिखा था, तो बीकानेर में भी ना सिर्फ डोसा चाउमीन और यही फास्ट फूड है, बट हम लोगों ना इस टाइम खाना खाना है क्योंकि कल हम लोगों की बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है एंड मैं ना बहुत ज्यादा थक गया हूँ, सागर ज्यादा थक गए, इतनी लंबी राइड करके आए हैं एंड रात भर ना मेरे को एडिटिंग भी करनी है
मैं 4-5 घंटे एडिट करूंगा जो पूर्णागिरी वाला व्लॉग है, क्योंकि कल व्लॉग भी तो आना है, तो देखते हैं कैसे होना है। कल हमारी इससे भी बड़ी ट्रिप है, मतलब कि पूर्णागिरी वाली तो थी, अब हमारी इससे भी बड़ी ट्रिप यार हो गई है, बिल्कुल मजा आने वाली है आपको। तो रेस्टोरेंट और ढाबा ढूंढते ढूंढते ना हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पे। एक्चुअली ये वाला जो रास्ता गया है ना, ये पूरा गया है पूर्णागिरी के लिए, मतलब आपको 5 किलोमीटर आगे जाना होगा, फिर आपको राइट मोड़ना होगा एंड फिर पूर्णागिरी मतलब पहाड़ आएगा, मतलब इधर ही साइड में पहाड़ है एंड ये इधर से हम लोग आए हैं, इधर ही से हम लोग आए हैं, बट अभी हम लोगों का जो जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं वो इधर साइड में पड़ता है। मतलब कि यार यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नॉन वेज और वेज मतलब कि दोनों एक ही जगह मिल रहा है, कोई मतलब कि नॉर्मली वेज रेस्टोरेंट है ही नहीं एंड यहाँ पे जगह जगह पे मीट टीटी कट रहा है, तो यार मेरे को ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। भाई बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली हमको एक जो है वेज रेस्टोरेंट मिल चुका है, जहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है और सिर्फ दाल चावल ही मिलता है ना, सिर्फ मतलब दाल चावल रोटी, मतलब प्लेट में खाली दाल चावल रोटी ही है और कुछ नहीं सिंपल, तो हम लोगों ने वही एक ऑर्डर कर दिया है। ये तो है, ये कुछ ऐसी प्लेट लग के आई है, प्लेट में है सब्जी सिंपल सी एंड ये दाल है एंड ये 4 रोटियां ही एंड चावल। क्या प्राइस था इसका? 80 रुपीज। तो कैसी क्या लगता है, सही है या नहीं है उस हिसाब से? घर में इससे अच्छा, घर जैसी तो कहीं यहाँ बात ही नहीं होगी ना। अब बात तो वही है, पेट तो भरना ही है, तो इसीलिए अब इसी से काम चलाएंगे गाइस हम लोग ना। हमने यहाँ पे डिनर किया था जो ये नहीं है नव युवक मंगल दल द्वारा, पता नहीं जो भी हो ये, पर यहाँ आके भैया यहाँ तो कभी मत खाना, कड़वा बहुत है गाइस। मतलब कि यार रिकॉर्ड तोड़ करो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को देखो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ खाइए, ये खाइए, वो खाइए, लेकिन हम पहले ऐसे लोग हैं जो खाने के बारे में आपको बता रहे हैं यार मत खाइएगा, हम आपको सही रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि यार दाल जो एक नॉर्मली अरहर की दाल होती है वो इतनी कड़वी बना रखी जैसे उसमें पूरा मिर्च डाल दी हो, बहुत बेकार थी यार। तो सौंफ भी नहीं रखे हुए थे, मतलब कुछ सौंफ और कुछ तो मीठा देना था कि नहीं, कुछ नहीं। और प्राइस भी मतलब कि सही नहीं लगा मेरे को, 80 रुपीज के हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही है यार कुछ था ही नहीं, यही अगर हरदोई में होते अभी 30 रुपए की वो क्या बोलते पूरी टूरिस्ट प्लेस की वजह से मतलब यहाँ पे काफी महंगा हो जाता है। तो अभी खाना खाया था, उसके बाद हम अपने लिए मोहनकोल ही लेके चल रहे हैं। यहाँ आपने ओला वाले पूछी, उसने क्या बताया? उसने कहा कि इधर कोई ये चीज पकड़ते ही नहीं है, ये सारी चीजें ना बरेली तरफ मिलेंगी, क्योंकि उधर लोग इसके प्रति जागरूक है, मूंगफली होला है, खस्ता है, खस्ता है, ठीक है, यहाँ बस लोग ले जाते हैं, लोग बस मूंगफली खाते हैं। तो हम लोगों को तो भाई होला ज्यादा अच्छी लगती है, खस्ता वाली ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन खस्ता मिली तो हम लोगों ने इतनी ले ली। और बाकी अभी वीडियो में बने रहना, अभी आपको हम अपना कल का प्लान बता रहे हैं, मतलब कल का प्लान सुन के ना तुम लोग के दिमाग उड़ जाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, जल्दी अभी अपडेट देने वाले हैं कि कल का प्लान हमारा क्या है। तो अपनी बाइक ना इधर खड़ी थी, सोच रहे हैं अपने रूम के बाहर ही इधर साइड में खड़ी कर लेते हैं, मतलब कि आज सच में मजा आ गया, इस बाइक ने पूरे मजे दिला दिए और असली मजा तो कल आएगा जो पूरी राइड पहाड़ पे होने वाली है, बहुत ही लंबा सफर होने वाला है कल का। तो हमने यहाँ खड़ी कर दी है, अब हम चलते हैं, अब ये भी थोड़ी देर आराम करेगी, बहुत दूर हमें लेके आई है। सो हे गाइस, टुडे इज नेक्स्ट डे और मैं आपको बताना ही भूल गया कि मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मैं एडिटिंग पे लग गया था, मेरी एडिटिंग खत्म हुई 12 बजे और मैंने पता व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया और इतनी गहरी नींद में हम और सागर दादा सोए हैं ना कि क्या बताएं, क्योंकि इतने ज़्यादा थके थे हम। अभी तो 6:30 हो रहा है एंड हम लोग उठ गए हैं एंड अब आपको हम बताते हैं हमारा प्लान है कि आप तो आपको बता ही दें। सो आज हम लोग टनकपुर से निकल रहे हैं नैनीताल के लिए, वो भी अपनी बाइक से। तो यार नैनीताल यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर पड़ता है एंड रास्ते में बहुत सारी सिटीज पड़ेंगी, हल्द्वानी पड़ेगा, ऐसे हल्द्वानी तो आप लोग जानते होंगे, हल्द्वानी तो इतनी बढ़िया जगह है एंड इंडिया के टॉप ब्लॉगर सौरभ जोशी भी हल्द्वानी में ही रहते हैं एंड हल्द्वानी पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पड़ेंगी। तो पूरी राइड जो है वो भी पहाड़ों पे होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड फिर हम लोग नैनीताल जाएंगे एंड फिर हम लोग का प्लान है नैनीताल से पूरी बाइक राइड, नैनीताल से सीधे हरदोई तक की एक पूरी बाइक राइड। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बस मेरी आँख अभी खुली और फिर मेरे को याद आया, मैंने देखा कि व्लॉग तो रेंडर हो गया, मैं बताना भूल गया कहाँ जाना है। तो जल्दी से जो है तैयार होते हैं और निकलते हैं यहाँ से नैनीताल बाइक राइड के लिए। जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ पे फ्रेश हुए हैं, नहाया तो है नहीं, यहाँ नहा कैसे पाते एंड अब जो है हम अपनी नैनीताल राइड के लिए निकल रहे हैं। वैसे अपनी जो सुबह हुई है टनकपुर में हुई है बहुत प्यारी हुई है, उधर देखो सब पहाड़ी पहाड़ है, वही पूर्णागिरी वाले पहाड़ है एंड अब जो है दादा बाइक निकाल रहे हैं, आइए दादाजी निकालिए। तो दादा अभी बाइक गर्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रात भर खड़ी है ना, पहाड़ों का इलाका बहुत ठंडा है। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे कल जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा नैनीताल तक का मोटो व्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट। तो यहाँ से ना
बहुत ही प्यारी जर्नी आगे होती है, उसके लिए ना आपको आगे आने वाले व्लॉग देखने होंगे। एंड आगे आने वाले व्लॉग तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ये जो आपने देखे ये भी उनके सामने कम है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड बहुत कुछ नया मिलेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।